करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब हो चुका है। इमरान खान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साफ कर चुके हैं कि ये तो भारत के नेताओं को पाकिस्तानी सरजमी पर लाने के लिए फेंकी गई गोगली थी। कुरैशी के इस बयान पर अब भारत ने कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे सिखों का अपमान बताया है। जब जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी करता है, भारत की ओर से उसे करारा जवाब मिलता है। मंच चाहे न्यूयॉर्क का हो या फिर कोई और, हर बार भारत ने पाक की ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सार्क सम्मेलन के न्योते को ठुकराकर पाक को आईना दिखाने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अब करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान की पैतरेबाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे सिखों का अपमान बताते हुए ट्वीट किया, श्रीमान पाकिस्तान के विदेश मंत्री, आपके द्वारा कही गई गुगली वाली बात आपकी मंशा को पूरी तरह से लोगों के सामने रख रही है। इससे यह भी पता चलता है कि आपकी सरकार को सिखों की भावना की कोई परवाह नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम आपकी गुगली में नहीं फंसे हैं। हमारे दो मंत्री करतारपुर साहिब सिर्फ इसलिए गए ताकि वे इस पवित्र गुरुद्वारे में प्रार्थना कर सकें। आपको बता दें कि करतारपुर में आधारशिला कार्यक्रम के अगले दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। न्यूयॉर्क में भारतीय प्रतिनिधि से बातचीत का ऑफर दिया गया था, लेकिन उस वक्त भारत के आगे उसकी सियासत आ गई। मगर इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक गुगली फेंकी, जिसकी वजह से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने दो मंत्रियों को कार्यक्रम में शिरकत के लिए भेजा। उनके इस बयान के बाद अब विदेश मंत्री ने ये कड़ा जवाब दिया है ताकि पाकिस्तान अपनी गलतफहमी दूर कर सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।